जैसे कि आपको पता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में हम काम कर रहे हैं, और हम आगे आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं बीजेटी के ऊपर, चाहे आप नेगेटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, उसमें भी रेलिवेंट है, और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं सिंपल अल्फा बीटा और करंट निकालना आईई आईबी आईसी ये सब चीजों के ऊपर बीजेटी के ऊपर न्यूमेरिकल जनरली आता है एग्जाम में। ठीक, तो हम कुछ फॉर्मुले आज बोर्ड पे आपके लिए लिखने वाले हैं, और इन फॉर्मुलों को यदि हम याद कर लें केवल तो सिंपल हम कोई सा भी न्यूमेरिकल जो है इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले यदि मैं बात को देखिए बीजेटी के तीन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन एमिटर और एक होता है कॉमन कलेक्टर। यदि मैं बात करूँ तो करंट गेन कॉमन बेस का जो होता है दैट इज नोन एज अल्फा, फॉर्मूला इज आई सी अपॉन आई डी, दैट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द रेशियो ऑफ एमिटर करंट। उसके बाद यदि मैं इसकी बात करूं तो कॉमन एमिटर में होता है बीटा, बीटा इज आई सी ओवर आई बी, एंड सिमिलरली कॉमन कलेक्टर का होता है गामा, गामा इज आई ई ओवर आई बी। क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज योर अल्फा बीटा एंड गामा, दीज थ्री फॉर्मूलाज। अब बात करते हैं ये फॉर्मूले तब लगेंगे जब कोई लीकेज करंट ना गिवन हो, नो लीकेज करंट, इफ नो लीकेज करंट इज गिवन देन आप इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मान लीजिए लीकेज करंट अगर गिवन है, लीकेज करंट को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, माइनॉरिटी कैरियर करंट कहते हैं, ये करंट यदि गिवन है आपको तो एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट जो होंगे वो अब आपको नोट करने, एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट। ठीक, ये ध्यान रखिएगा यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जिनके ऊपर एग्जाम में निमर्कल आएगा, आई सी इज इक्वल्स टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। ठीक, ये किसके लिए, दिस इज फॉर कॉमन बेस। फाइन, What is this? This is the leakage current for common base configuration. Similarly, यदि common emitter है तो expression हो जाएगा IC is equals to beta IB plus ICEO. Fine. This is also leakage current. Fine, and this is for common emitter. Fine, और एक last formula और दे देते हैं आपको, last formula है IC is equals to beta IB plus 1 plus beta IC B. तो friends यही formula है जो board पर आपके लिए लिखे हुए हैं, ये अगर सारे formula हम याद कर लें तो कोई भी numerical यदि BJT के ऊपर आता है normal numerical जो आते हैं। अच्छा, और हाँ एक master formula जो हर जगह हम use करेंगे, that is your emitter current is equals to base current plus collector current. This can be used everywhere. Fine. तो आपको कोई भी transistor configuration यदि आपको given है, वो आपसे बोलेगा कि current amplification factor है उसका, तो आपको alpha beta given होगा। हो सकता है वो आपसे कहे कि leakage current है, ध्यान रहे common base का leakage current है ICBO, common emitter का leakage current है ICEO। कोई भी लीकेज करंट आपको गिवन होगा और वो आपसे बोलेगा कि अलग अलग करंट कंपोनेंट्स निकालो, कभी एमिटर करंट निकालने को बोलेगा, कभी बेस करंट निकालने को बोलेगा, कभी कलेक्टर करंट निकालने को बोलेगा। फाइन, तो आप यदि एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अपना रफ में जाती है, सारे फॉर्मुलेज आप लिख लें, जो भी डेटा गिवन है उसको आप नोट डाउन करें, आपको अपने आप रास्ता मिलेगा कि आगे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो एक बहुत ही छोटा वीडियो था ये जिसमें हमने नॉर्मल न्यूमेरिकल जो बीजेटी के ऊपर आते हैं एग्जाम्स में, नेगेटिव एग्जामिनेशन में या किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या फिर आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो आप इन फॉर्मुलेज की हेल्प से इजीली उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि क्या बोलते हैं, हमने सारे इक्वेशंस जो है लिख दिए हैं, आपने अभी वीडियो में देखा और सारे इक्वेशंस हमने लिख दिए नो डाउट लिए। तो हमने कहा कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो नॉर्मल फॉर्मूला से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक बात का ध्यान दें, देखिए ये नेगेटिव एग्जामिनेशन है 2016-17 का इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है आपका 5 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या कहता है, एन एनपीएन ट्रांजिस्टर विद बीटा 98 is operated in the common base configuration if the emitter current is 2 milliampere and the reverse saturation current is 12 microampere, what are the base and collector currents? Okay, fine. तो आगे बढ़ते हैं।
हमने क्या सॉल्व किया है, हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन जो भी चीजें आपको गिवन है उन्हें आप लिख लें। कॉन्फ़िगरेशन क्या है ट्रांजिस्टर की, कॉमन बेस, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर गिवन है बीटा, बीटा की वैल्यू है 98, एमिटर करंट गिवन है, एमिटर करंट की वैल्यू है 2 mA, और साथ ही साथ लीकेज करंट गिवन है या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट है, जो कि आपको पता है कॉमन बेस का क्या होता है, ICBO, उसकी वैल्यू क्या है आपकी 12 μA। दोस्तों ये बात याद रहे, मिली एम्पियर का मतलब होता है 2 × 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 12 × 10⁻⁶ एम्पियर। क्लियर? अब आप बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो जो इक्वेशन आपके पास है उन्हें आप याद करें और कौन सी इक्वेशन जो है लग सकती है ये आप सोचें। तो मैं अगर बात करूं तो मुझे एक इक्वेशन याद आती है जो कि कलेक्टर करंट निकालने की इक्वेशन होती है, कॉमन बेस की जो इक्वेशन होती है अल्फा आईई प्लस आईसीबी। तो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, मैं अगर देखूं और मेरे पास आईसीबीओ है, मेरे पास आईई है, मेरे पास क्या नहीं है, अल्फा नहीं। ठीक दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि बीटा और अल्फा का रिलेशन होता है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 - α। इस रिलेशनशिप का यूज करके हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की। बीटा कितना है 98 इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 - α, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.9898। क्लियर? 0.9898 आपकी वैल्यू आएगी। और अब आपने क्या किया, सारी वैल्यूज आपके पास है, आपने सीधे पुट कर दिया, IC इज इक्वल्स टू 0.9898 इंटू IE, IE क्या है 2 × 10⁻³ प्लस ICBO प्लस कर दिया 12 × 10⁻⁶ एम्पियर। फ्रेंड सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 1.982 mA। ये किसकी वैल्यू निकाली आपने, IC की। तो कलेक्टर करंट जो है निकल चुका है, अब क्या निकालना बाकी है, बेस करंट। तो आपको पता है कि मास्टर फॉर्मूला क्या होता है, IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, IE है 2 mA, IB निकालना है और ये है आपका 1.982 mA। सिंपल माइनस कर दीजिए और आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IB। तो IB की क्या वैल्यू आएगी, 0.018। देखिए सिंपल, मैंने कहा था सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आप प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन लग सकती है, जितनी क्वेश्चन आपने बोर्ड पर देखी थी। तो ये एक हमने टॉपिक पढ़ा और उसके ऊपर हमने कॉन्सिक्यूटिवली न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिया। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।